Assalamualaikum viewers, welcome to lectures by Waqas Aziz. European history का episode 4 है. Episode 3 में जहां से बात छोड़ी थी वहीं से start करेंगे, ठीक? देखें, episode 3 के end में हम बात कर रहे थे King's flight and capture. थोड़ा सा recap करते हैं कि king ने, बादशाह ने, Louis 16 ने जबरदस्ती sign तो कर दिया convention के ऊपर, constitutional monarchy को accept तो किया, पर उसका दिल नहीं मान रहा था. वो चाहता था कि उसकी अपनी absolute monarchy बने. तो रेवोल्यूशनरीज जिस टाइम उन्होंने बादशाह को वर्चुअल प्रिजनर बनाया, वर्सलीस पे जाके विमेंस मार्च हुई, तो वहां से बहुत से नोबल्स और कलर्जी भाग गए थे, इमिग्रीज थे. तो उन इमिग्रीज ने, जो नोबल्स और कलर्जी भाग गए थे फ्रांस से बाहर, तो उन्होंने बादशाह को पैगाम भेजा कि आप इस तरह करें, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, कन्वेंशन को रिवोक कर दें, एब्रोगेट कर दें और हमारे पास आ जाएं. हम यहां पे जो अपने फ्रेंडली स्टेट्स हैं उनकी आर्मी की मदद से फ्रांस के ऊपर अटैक करवाएंगे और इन रेवोल्यूशनरीज को सप्रेस करेंगे, दोबारा से आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की को कायम करेंगे और हम अपने जो प्रिविलेजेस हैं क्लर्जी कलर्जी के और नोबल्स के, उनको दोबारा से बहाल करेंगे. किंग ने, बादशाह ने, लुई 16 ने यही किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया और वहां से भागने लगा. जब वो भागने लगा तो वो पकड़ा गया, कैप्चर, पकड़ा गया, ठीक. अब देखें क्या हुआ आगे. रेवोल्यूशनरीज जो थे ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, एक को जिरोंडिन्स कहते हैं, दूसरे को जैकोबिन्स कहते हैं. दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे रेवोल्यूशनरीज. जिरोंडिन्स कौन थे? मॉडरेट रिपब्लिकन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट करते थे. वो चाहते थे कि हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो, हमारी जो गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो ऐसा हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो. विच मीन्स जिरोंडिन्स की माइल्ड अप्रोच थी टुवर्ड्स किंग. अब इसके बिल्कुल अपोजिट आते हैं जैकोबिन्स. जैकोबिन्स डेमोक्रेसी चाहते थे, एबॉलिश मोनार्की. वो चाहते थे कि मोनार्की को बिल्कुल खत्म कर दो, मोनार्क का कंसेप्ट ही ना हो, हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, मोनार्की हो ही ना. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी जैकोबिन्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, विच मीन्स कि उनकी हार्ड अप्रोच थी टुवर्ड्स किंग, ठीक. अब चूंकि जिस कन्वेंशन को बादशाह लुई 16 ने साइन किया था फोर्सफुली प्रेशर में आके और फिर उसको एब्रोगेट करके, रिवोक करके भागने लगा और पकड़ा गया, वो कन्वेंशन उसमें क्लॉज थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की. जैकोबिन्स क्योंकि मोनार्की को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं तो इन्हें वो कन्वेंशन सूट नहीं कर रही थी, इनकी तादाद ज्यादा थी, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनानी थी, तो इन्होंने उस कन्वेंशन को रिवोक कर दिया, खत्म कर दिया कन्वेंशन को. क्यों? क्योंकि उस कन्वेंशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की क्लॉज थी और ये नहीं चाहते जैकोबिन्स के हमारे ऊपर मोनार्क हो, ये खत्म करना चाहते हैं मोनार्की को. तो इन्होंने कन्वेंशन को रिवोक किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए जिसे डायरेक्टरी कहते हैं, एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टरी. अब इसमें क्या था, डायरेक्टरी में 5 डायरेक्टर्स थे जो कि फ्रांस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, मुख्तलिफ अफेयर्स को डील कर रहे थे. 5 डायरेक्टर्स थे, यानी इन्होंने अथॉरिटी, पूरे के पूरे फ्रांस की अथॉरिटी 5 डायरेक्टर्स को दे दी, 5 बंदे जो कि फ्रांस के मुख्तलिफ अफेयर्स को डील करेंगे. डायरेक्टरी ये लोग ले आए. फिर जैकोबिन्स की जो हुकूमत है इसके अंदर कुछ और खास बातें हैं, उनको डिस्कस करते हैं. पहली खास बात, रेन ऑफ टेरर, ठीक. ये एक खौफ का दौर लाए. जैकोबिन्स ने जब अपनी हुकूमत कायम की ना, डायरेक्टरी बनाई, तब इन्होंने रेन ऑफ टेरर भी लाया. ये लोग, रेन ऑफ टेरर क्या है, दो पॉइंट्स के अंदर देखें. सप्रेस दोज हु वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उनको सप्रेस करते थे जो के, जैसे ये जिरोंडिन्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे, तो जो जो बंदा कहता था कि वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जबरदस्ती उनको सप्रेस करते थे, मारते थे कि हमें मोनार्की नहीं चाहिए. पहली बात कि रेन ऑफ टेरर आया जिसमें उन लोगों को सप्रेस किया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं, जिरोंडिन्स. दूसरी बात, सप्रेस दोज हु स्टूड अगेंस्ट डायरेक्टरी, उन लोगों को भी सप्रेस कर रहे थे जो इस डायरेक्टरी को अपोज कर रहे थे, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज कर रहे थे. यानी जैकोबिन्स की हुकूमत को जो अपोज कर रहा था उसको भी सप्रेस कर रहे थे जबरदस्ती. तो इसको रेन ऑफ टेरर कहते हैं, ठीक, कि जबरदस्ती उन लोगों को भी अप्रेस कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कह रहे हैं कि हमें चाहिए, उन लोगों को भी अप्रेस कर रहे हैं जो डायरेक्टरी के अगेंस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि जैकोबिन्स की इस तरह की हुकूमत हो, उनको भी सप्रेस कर रहे हैं जबरदस्ती. एक खास बात तो हो गई रेन ऑफ टेरर. अगली देखो, लॉ ऑफ सस्पेक्ट, इस डायरेक्टरी में ये लोग लाए लॉ ऑफ सस्पेक्ट, जैकोबिन्स.
लॉ ऑफ सस्पेक्ट क्या है इसको जरा समझो। किंग कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन को रिवोक करके भागने लगा, क्यों? क्योंकि बाहर जो इमिग्रीज नोबल्स और कलर्जी मौजूद थे उन्होंने किंग को ऑफर की कि आप हमारे पास आ जाएं, फिर हम अपनी फ्रेंडली स्टेट से बात करके उनकी आर्मी को यूज करके फ्रांस पे अटैक करवाएंगे और आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की को दोबारा से एस्टेब्लिश करेंगे, रेवोल्यूशनरीज को सप्रेस करेंगे। किंग पकड़ा गया। अब इन्होंने लॉ ऑफ सस्पेक्ट, इन जैकोबिन्स ने अपनी डायरेक्टरी में लॉ ऑफ सस्पेक्ट इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कहा कि जिसका भी ताल्लुक होगा या वो उसमें होगा, लिंक में होगा इमिग्रीज के साथ, उन नोबल्स और कलर्जी के साथ लिंक में होगा जो बाहर गए हुए हैं और फ्रांस पे अटैक करने के ख्वाब देख रहे हैं, उनको हम अरेस्ट करेंगे, उनको सजा देंगे। लॉ ऑफ सस्पेक्ट, चाहे वो नोबल्स हैं करंटली अभी फ्रांस में मौजूद हैं, चाहे वो कलर्जी हैं करंटली मौजूद हैं फ्रांस में, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो जो अभी फ्रांस में मौजूद है जिसे हमने पकड़ा हुआ है, अगर हमें पता चल गया कि इनका कनेक्शन है, लिंक है उन लोगों के साथ, उन इमिग्रीज के साथ जो नोबल्स कलर्जी यहां से रेवोल्यूशन के टाइम भाग गए थे, उनके साथ लिंक है और ये लोग प्लान बना रहे हैं सीक्रेटली फ्रांस पे अटैक करने का और हमारे जो गवर्नमेंट है उसको गिराने का, तो हम उसको सजा देंगे। जिस पे भी शक होगा, लॉ ऑफ सस्पेक्ट, जिस पे भी शक होगा। सबसे पहले उन्होंने किंग का ट्रायल स्टार्ट किया कि हमें शक है, लॉ ऑफ सस्पेक्ट अप्लाई किया कि हमें शक है कि किंग सीक्रेटली उन नोबल्स और कलर्जी जो इमिग्रीज हैं बाहर भाग गए फ्रांस से, उनके साथ कनेक्शन में है, लिंक में है और फ्रांस पे अटैक करने का सोच रहा है, प्लान बना रहा है। सबसे पहले किंग का ट्रायल स्टार्ट किया और जब ट्रायल स्टार्ट किया तो साबित हो गया, एविडेंसेस आ गए कि वाकई में किंग उनके साथ मिला हुआ था और प्लान बना रहे थे सीक्रेटली कि फ्रांस पे अटैक करेंगे उन इमिग्रीज के साथ। जब यह साबित हो गया किंग के ट्रायल में कि ये प्लान बना रहा है सीक्रेटली, नोबल्स और कलर्जी जो इमिग्रीज हैं उनके साथ मिला हुआ है, तो इन्होंने किंग को फांसी दे दी, किंग्स एग्जीक्यूशन, किंग को फांसी दे दी। इन्होंने पहले कहा हुआ था कि लॉ ऑफ सस्पेक्ट होगा, अगर किसी पे हमें शक हुआ और वो शक सच साबित हो गया तो हम उसको सजा देंगे। किंग पे शक था, उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ, वो शक साबित हो गया, सच हो गया, किंग को एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया, फांसी दे दी। फिर आता है प्रिंसेस एग्जीक्यूशन, जो किंग की वाइफ थी मैरी एंटोनेटे, जो कि ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी, तो प्रिंसेस का भी, प्रिंसेस के ऊपर भी लॉ ऑफ सस्पेक्ट अप्लाई किया, उसका ट्रायल शुरू किया प्रिंसेस का, जिस तरह किंग का ट्रायल किया था प्रिंसेस का भी ट्रायल किया। प्रिंसेस के ट्रायल में उन्हें ये एविडेंस मिला कि जो ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है मैरी एंटोनेटे, ये अपने भाई के साथ जो ऑस्ट्रिया का किंग है उसके साथ मिलके प्लान बना रही है अटैक करने का फ्रांस के ऊपर। तो फिर इन्होंने, जब वो साबित हो गया, प्रिंसेस को भी एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक, उसको भी मार दिया। फिर इन्होंने लॉ ऑफ टू थर्ड लाए, ये जैकोबिन्स, लॉ ऑफ टू थर्ड। ये क्या था लॉ ऑफ टू थर्ड? कि मेंबर्स ऑफ न्यू लेजिस्लेचर मस्ट कंसिस्ट ऑफ टू थर्ड मेंबर्स ऑफ कन्वेंशन। इन्होंने कहा कि जो नया डायरेक्टरी का जो लेजिस्लेचर बनेगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी डायरेक्टरी की, इस डायरेक्टरी की जो नई असेंबली बनेगी, उसमें टू थर्ड मेंबर्स हमारे कन्वेंशन से आएंगे, जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था कन्वेंशन उधर से आएंगे। इस पे लोगों को एतराज हो गया कि भाई आप टू थर्ड मेंबर्स कन्वेंशन से कैसे ला रहे हो, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है, नई लेजिस्लेटिव असेंबली आप बना रहे हो, तो फिर फ्रेश इलेक्शंस होंगे। अगर आप पुराने कन्वेंशन से मेंबर्स को लाओगे तो पुराने कन्वेंशन में भी आपके जैकोबिन ज्यादा थे, फिर तो ज्यादा वही आएंगे। तो इन्होंने लॉ ऑफ टू थर्ड इंट्रोड्यूस किया। यहां से देखो गेम थोड़ी चेंज होती है कि लॉ ऑफ टू थर्ड, कि टू थर्ड मेंबर्स कन्वेंशन से आएंगे, इसके अगेंस्ट पेरिस मोब आया, लोग फिर से इकट्ठा हो गए कि हम इस लॉ ऑफ टू थर्ड को नहीं मानते। 1795 में पेरिस मोब आया, दोबारा से पेरिस में लोग इकट्ठा हो गए और इस लॉ ऑफ टू थर्ड के अगेंस्ट उन्होंने धरना दिया कि हम नहीं मानते लॉ ऑफ टू थर्ड को। इस टाइम नेपोलियन आर्मी का जनरल था, गौर से सुने, ये जो अभी टाइम चल रहा है कि डायरेक्टरी ने लॉ ऑफ टू थर्ड इंट्रोड्यूस किया हुआ है जैकोबिन्स ने, इस टाइम नेपोलियन आर्मी का जनरल बन चुका था। और जब ये लॉ ऑफ टू थर्ड के अगेंस्ट पेरिस मोब आया, लोगों ने धरना दिया, तो जैकोबिन्स डिस्टर्ब हो गए, उनकी गवर्नमेंट को मसला हो रहा था, डायरेक्टरी को मसला हो रहा था, ये पांच डायरेक्टर्स डिस्टर्ब हो गए। इन्होंने नेपोलियन को ऑर्डर दिया कि इस पेरिस मोब को खत्म करो किसी तरह। नेपोलियन उठा, एक रात के अंदर आके इस पेरिस मोब को जबरदस्ती डिस्पर्स किया लोगों को,
क्योंकि आर्मी का जनरल था, इसको हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आया कि इस पेरिस मोब को खत्म करो। इसने नेपोलियन ने आके विद इन अ नाइट पेरिस मोब को क्रश कर दिया, डिस्पर्स कर दिया। यहां तक बात समझ आई? अब सिस्टम चलता रहा। डायरेक्टरी के अंदर बहुत से फ्लॉस थे, ये जो पांच डायरेक्टर्स हैं, ये जो डायरेक्टरी बनाई हुई थी, इसके अंदर बहुत से फ्लॉस थे। डायरेक्टरी के अंदर इसके जो डायरेक्टर्स थे पांच, ये कंपिटेंट नहीं थे। फ्रांस की इंटरनल और जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंतहाई वीक होती जा रही थी, क्योंकि ये डायरेक्टर्स कंपिटेंट नहीं थे, पॉलिसी नहीं बना सकते थे। और दोबारा से फ्रांस के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगा, फूड शॉर्टेज हुई, स्कार्सिटी ऑफ फूड हुई, सोशल अनरेस्ट स्टार्ट होने लगा। वजह यही थी कि ये डायरेक्टरी के अंदर फ्लॉस थे, ये पांच डायरेक्टर्स कंपिटेंट नहीं थे, सिस्टम चला नहीं पा रहे थे। जब डायरेक्टरी के अंदर फ्लॉस आए और फ्रांस के हालात फिर से खराब होने लगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगा, सोशल अनरेस्ट आने लगा, स्कार्सिटी ऑफ फूड आने लगी, तो नेपोलियन ब्रूमेर कूल आया, मिलिट्री रूल लाया अपना, अटैक किया इन डायरेक्टर्स के ऊपर और डायरेक्टरी, ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डायरेक्टरी, इसको खत्म किया। ठीक, तो अटैक किया इसने, क्योंकि फ्लॉस थे डायरेक्टरी के अंदर, फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा से आ गया था। और नेपोलियन को ये किसने कहा कि आप अटैक करो, डायरेक्टरी को ओवरथ्रो करो? ये इन पांच डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर था, साइज उसका नाम था, SIEYES, साइज। ये साइज नेपोलियन से सीक्रेटली मिला था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ गए तो ये साइज, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, ये नेपोलियन से मिला और इसने नेपोलियन को कहा कि आप इस तरह करो, मिलिट्री टेक ओवर करो, डायरेक्टरी को उठा के फेंक दो, इनसे चलना नहीं है, ये लोग करप्ट हैं, इनसे नहीं चलेगा सिस्टम, आप इस तरह करो, आके इस डायरेक्टरी को खत्म करो, अपनी हुकूमत कायम करो, मिलिट्री रूल लाओ। तो ये साइज और नेपोलियन, इनकी सीक्रेट मीटिंग हुई थी। फिर नेपोलियन ब्रूमेर कूल आया, डायरेक्टरी को उठा के फेंक दिया, डायरेक्टर्स को फेंक दिया, मतलब उनको खत्म कर दिया और अपनी हुकूमत कायम की। यहां से स्टार्ट होता है राइज ऑफ नेपोलियन, जो कि हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, एपिसोड 5 में, राइज ऑफ नेपोलियन। यहां तक बात समझ आई? अब इधर आओ। पहले फ्रांस में मोनार्की थी, पहले से बात करो, मोनार्की थी, लुई 16 एब्सोल्यूट मोनार्क था। रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के बाद जो उन्होंने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कन्वेंशन था, जिस पे जबरदस्ती साइन लिए बादशाह के, लुई 16 के। और इस कन्वेंशन का नेचर कैसा था पहले कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी इसके अंदर। फिर जैकोबिन्स आते हैं, बादशाह को पकड़ते हैं और उसके बाद जैकोबिन्स अपनी डायरेक्टरी लाते हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं जिसमें वो एबॉलिश कर देते हैं मोनार्की को, मोनार्की की क्लॉज पूरी तरह खत्म कर देते हैं। फ्रांस को फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है डायरेक्टरी की फॉर्म में, जिसमें कोई मोनार्की नहीं, मोनार्की का कंसेप्ट नहीं। फिर जब डायरेक्टरी में फ्लॉज आते हैं, डायरेक्टर्स करप्ट होते हैं, उनसे सिस्टम नहीं चलता, फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा से आते हैं, तो नेपोलियन आके इस डायरेक्टरी को उठा के फेंक देता है, डायरेक्टर्स को खत्म करता है और अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लाता है, नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाता है, कंसुलेट। और यहां पे नेपोलियन आगे चल के अपने आप को एम्परर बना देता है। तो विच मींस के फ्रांस के अंदर जरा आप लोग देखो, पहले एब्सोल्यूट मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर मोनार्की को पूरी तरह खत्म कर दिया, डायरेक्टरी आ गई, फिर नेपोलियन आता है, कंसुलेट लाता है, जिसके अंदर दोबारा से मोनार्की आती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह आती है, एपिसोड 5 में। ठीक हो गया? समझ आई? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।